खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर खिलौने ले लो। खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आया, सुंदर सुंदर खिलौने लाया। खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आया। खिलौने दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, खिलौने दिखाओ। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। बोलो किस किस को कौन कौन से खिलौने चाहिए? कन्हैया, तुम्हारे लिए दो दो खिलौने, ये लो। और सुंदर के लिए? ये सुंदर है? अरे मैं तो समझा ये कृष्ण का प्रतिबिंब है। हाँ? इसके लिए भी दो दो खिलौने। मेरे कृष्ण के लिए विशेष फल लाई हूँ मैं। विशेष फल? सुंदर, यह खिलौने वाला तुम्हें इस टोकरी में बिठा कर भगा ले जाने आया है। और अब काना तुम्हें छुड़ाने नहीं आएगा। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? खिलौने तो लेते जा। दादी माँ, दादी माँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो मुझे भगा कर ले जाने आया है। दादी माँ, दादी माँ। क्या हुआ कन्हैया, क्यों पुकारा मुझे? दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ के पास जाना है। हाँ। दादी माँ अभी विश्राम कर रही होंगी, हम बाद में दादी माँ के पास जाएंगे। नहीं, अभी जाएंगे। कृष्णा! अरे क्या हुआ कन्हैया, क्यों रो रहे हो? नहीं बाबा, हम जाएंगे दादी माँ के पास। नहीं, हम अभी जाएंगे। हाँ हम जाएंगे, अभी जाएंगे दादी माँ के पास। क्या हो रहा है माँ बेटी के बीच? पिताजी, दादी माँ। दुर्गत अपने भक्त की प्रभु जी देख ना पाए, हुए व्यचित संसार से बाल कृष्ण चिल्ला। के बिना अपाहिज हो जाऊंगी रे, अपाहिज हो जाऊंगी रे। कहाँ गई मेरी लाठी? कृष्णा, कृष्णा! क्या हुआ यशोदा, कान्हा आज ऐसे क्यों कर रहा है? सदा हंसने वाले मेरे कन्हैया की आंखों में आंसू देखकर आज मेरा भी मन भरा है जी। से मुझे दे दो। दादी माँ, लगता है मेरे कन्हैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं वैद्य को बुला कर लाऊं? चलिए इसे वैद्य को दिखा आते हैं। चलो चलो। यशोदा, अब तक तो गुमसुम उदास सा था, मेरा बचाना किया। बलराम को जो देख लिया है, बड़े प्रसन्न
दिखाई दे रहे हो कन्हैया? भैया सांप गया। अब तक सांप को भूला नहीं। इसलिए तुम उदास थे। चलो मेरे साथ। मैया मैं बलराम भैया के साथ खेलने जाऊं? हाँ हाँ जाओ। चलो। कृष्णा। छोरे तुम? मैं यहाँ हूँ। कन्हैया किससे बातें कर रहा है? यहाँ कहाँ? मेरे पास आओ ना। मैं आऊंगा। कहाँ जाएगा रे कान्हा? अरे ये बासुरी मुझे बता रही है कि तुम मेरे साथ हो। मेरी लाठी कहाँ है रे? पीछे जाओ, 10 कदम पीछे जाओ। मुझे तो ये सब बहुत विचित्र लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस महाकाय बगुले का असर हुआ है कन्हैया पर। बांसुरी क्यों बंद कर दिए रे कन्हैया? अच्छा समझ गई, मैं आगे न बढ़ू इसलिए तुमने बांसुरी बंद कर दी ना। इसका अर्थ मेरी लाठी यहाँ गई है। हाँ। फिर से किसी से बात की कान्हा ने? किससे बात कर रहा होगा? लाठी यही कही है तो मिलती क्यों नहीं रहे? कृष्णा लाठी मिल गई रे। मैं बिना कारण डर गई थी, अब मैं कभी नहीं डरूंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मेरी चिंता तुम्हें है कृष्णा, बस अब एक ही इच्छा है, जीवन की इस ढलती बेला में अपन काटों से भी ज्यादा चुभता है रे। तुम तो परमात्मा हो। हाँ मैं जानती हूँ, बस एक ही प्रार्थना है, यदि मैं अपने के लिए बोझ बन गई हूँ और वो मुझे ठुकराना चाहते हैं तो तुम मुझे अपना बना लो, मुझे अपने चरणों में जगा दो सदा सदा के लिए, मुझे अपने परम धाम में बुला लो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हारे दर्शन कर दूंगी। कन्हैया कन्हैया।
क्या हो गया कन्हैया, क्या हुआ रे तुझे? काना, काना किससे बात कर रहे थे तुम?